वेलकम बैक, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े खबरों के बारे में जानते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार में आज इंटर परीक्षा के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें। राज्य में 1016 पदों पर निकली बम्पर बहाली, कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा की तिथि जारी, प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का रिजल्ट कब जारी, साथ ही आपको बताएंगे मतदाता सूची में संशोधन के लिए मात्र 2 दिन। एक बड़ी खबर, आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, बिहार की बिजली उपभोक्ताओं को झटका, राज्य में ठंड को लेकर हाई अलर्ट। बड़ी खबर, आज पेश होगा बजट, टीएमसी के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है लालू प्रसाद की पार्टी, दिल्ली में चुनाव लड़ेगी जेडीयू। बड़ी खबर, चिराग और मांझी दोनों एनडीए में रहेंगे, राजद का बड़ा ऐलान, किसानों का सवाल विधानसभा में उठाकर नीतीश को घेरेंगे, साथ ही आपको बताएंगे सोने की कीमत में कितनी गिरावट हुई, और फिर अंत में आपको बताएंगे कोहरे की वजह से राज्य में कई ट्रेनों का परिचालन बंद। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें, और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आज से शुरू, परीक्षार्थियों को एग्जाम हॉल जाने से पहले 5 जरूरी बात। बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी, छात्रों को निर्धारित समय से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा, देर से आने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे और द्वितीय पाली 1:45 से शुरू होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा शीतलहर को देखते हुए छात्रों को जूता मोजा पहनकर आने की इजाजत मिल गई है। परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी है, किसी भी छात्र को समस्या हो तो वह फोन नंबर 0612223009 पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस वर्ष ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों में 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, और अंत की महत्वपूर्ण बात, एडमिट कार्ड या उत्तर पुस्तिका में कुछ त्रुटि भी हो तो उन्हें परीक्षा देने के लिए दिया जाएगा, बस आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 1016 प्रयोगशाला सहायकों की जल्द होगी भर्ती। जी हाँ, बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए शीघ्र ही 1016 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पदों का रोस्टर विभाग तैयार कर रहा है, उम्मीद है कि शीघ्र नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला सहायकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराए जाने का विचार चल रहा है। बड़ी खबर, 26 फरवरी से कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा कराएगा बिहार बोर्ड। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य में बिहार बोर्ड के तहत आने वाले विद्यालयों में 9वीं की वार्षिक परीक्षा कराने का फैसला लिया है। यह परीक्षा राज्य भर में 26 फरवरी 2021 से आयोजित कराई जाएगी। इस संबंध में बिहार बोर्ड ने सभी जिलों के अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी सूचना निर्देश जारी कर दिया है। कोहरे की वजह से ट्रेनें प्रभावित, संपूर्ण क्रांति और श्रमजीवी समेत बिहार के 9 जोड़ी ट्रेनों के फेरे कम। जी हां, बिहार की राजधानी पटना समेत पूर्व मध्य रेलवे में चलने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों के फेर के दिनों में कमी की गई है। कोहरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली स्पेशल संपूर्ण क्रांति ट्रेन फरवरी महीने में प्रत्येक गुरुवार को रद्द रहेगी। फरवरी में प्रत्येक गुरुवार को यह ट्रेन पटना से और हावड़ा से नहीं खुलेगी। वहीं राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को रद्द रहेगी, तो वहीं राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को और नई दिल्ली से राजगीर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को फरवरी में रद्द रहेगी। इसके अलावा दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाए जाने वाले फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पूरे फरवरी में पूर्णतः रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर, अब आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र के कुल
16 सुविधाओं को ऑनलाइन कराने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। बड़ी खबर, तृणमूल के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी। जी हां, बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी के साथ बातचीत कर रही है। राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत के लिए कोलकाता में है। श्री रजक ने कहा, हम साथ मिलकर बंगाल चुनाव लड़ने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। सिद्दीकी और रजक कोलकाता में ममता बनर्जी से चर्चा करने से पहले उनकी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर, 1 फरवरी तक ठंड का राज्य में ऑरेंज अलर्ट। सीएम ने कहा, सतर्क रहे, 4 फरवरी के बाद राहत मिलने की उम्मीद। जी हां, मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के सभी हिस्सों में ठंड को लेकर 1 फरवरी तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सबको सचेत रहना चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से आने वाली हवाओं से मौसम सर्द है। बड़ी खबर, 25 फरवरी को प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर इस संभावित तिथि को सूचना देने के साथ साथ अभ्यर्थियों को इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन और आंसू लेखन परीक्षा और अन्य जांच परीक्षा के लिए भी अल्प सूचना पर तैयार रहने के लिए कहा है। इस संबंध में अगली सूचना के लिए नियमित रूप से आयोग के वेबसाइट को देखते रहने का भी आदेश दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी जेडीयू, आरसीपी ने किया ऐलान, एमसीडी चुनाव में उतरेगी जदयू। जदयू के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने घोषणा की कि पार्टी दिल्ली में अपने जनाधार का विस्तार करेगी तथा दिल्ली में नगर निगम चुनाव में भी हिस्सा लेगी। उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी पूरा दमखम दिखाएगी और दिल्ली पथक की ओर कदम बढ़ाएगी। जदयू ने पिछले साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी से खड़े किए थे, जिन्हें काफी मत प्राप्त हुए थे। इसे दिल्ली के कई इलाकों में जदयू का अच्छा जनाधार तैयार हो गया है। चिराग और मांझी दोनों एनडीए में रहेंगे, बीजेपी ने कर दिया क्लियर। जी हां, एनडीए की बैठक में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बुलाए जाने के बाद बिहार में सरगर्मी तेज हो गई थी। एनडीए के अंदर बयानबाजी इतनी बढ़ गई थी कि जीतनराम मांझी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए एलजेपी ने कहा कि अगर मांझी को आपत्ति है तो वह एनडीए से अलग हो जाए। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता रेणु देवी ने एनडीए में किसी विवाद को खारिज किया है। रेणु देवी ने कहा है कि सभी लोग एनडीए में हैं और विवाद का कोई सवाल नहीं है। चिराग और मांझी को लेकर हुए विवाद के बीच डिप्टी सीएम रेणु देवी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग एकजुट है और कभी कभी मन में तकलीफ होने से कुछ बातें हो जाती है। बड़ी खबर, तेजस्वी से मुलाकात के बाद दीपांकर का बड़ा ऐलान, किसानों का सवाल विधानसभा में उठाकर नीतीश को घेरेंगे। जी हां, 19 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार मंडल के बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार किसानों के सवाल पर घिरने वाली है। विपक्ष ने इसके लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि आखिर नीतीश सरकार को कैसे विधानसभा सत्र के दौरान घेरा जाए। बिहार के बिजली उपभोक्ता को झटका, मीटर रिचार्ज के बाद ही होगी घर में रोशनी। जी हां, बिहार के बिजली उपभोक्ता के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील कर दिए जाएंगे। कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बिहार की 2 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को राज्य में 23 लाख स्मार्ट प्रीबोर्ड लगाने के लिए करार किया है।
सोने की कीमत में इस महीने 1000 रुपए की गिरावट, 2 दिन में 3000 रुपए मजबूत हुई चांदी। जी हाँ, इस महीने सोने का भाव 2% या 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा है। वहीं चांदी वायदा शुक्रवार को 3.2% या 2170 रुपए उछाल के साथ 69,765 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल 2 दिनों में ही चांदी की कीमत में 3000 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची में संशोधन दावा या आपत्ति के लिए अब मात्र 2 दिन ही बचे हैं। जी हां, बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर मतदाता सूची में संशोधन दावा आपत्ति इत्यादि को लेकर मात्र 2 दिन ही शेष रह गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी तक किया जाना है। इसके लिए रविवार और सोमवार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। आयोग के अनुसार 1 फरवरी के बाद मतदाता सूची को लेकर कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा, यानी कि आज यानी सोमवार तक ही आपको आवेदन करना है अगर आपको किसी में भी सुधार कराना है तो। और अंत की बड़ी खबर, आज खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, छोटे और लघु उद्यमियों को अभी भी राहत की दरकार, बिहार के रेल यात्रियों को भी काफी उम्मीदें। जी हां, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने के लिए अपना पिटारा खोलेगी। कोरोना में छोटे और लघु उद्योग को दी गई राहत के बावजूद मांग में कमी रहने के कारण संकट अभी टला नहीं है। लगभग 70% उद्योग भले ही पटरी पर आ गए हैं, लेकिन 9 माह बाद भी पूरी क्षमता से काम करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही केंद्रीय आम बजट से बिहार के रेल यात्रियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। खास कर दैनिक रेल यात्रियों ने रेल मंत्री से पूर्व मध्य रेल की सभी रेगुलर मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों को शीघ्र शुरू करने के साथ ही कई नई ट्रेन चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि बक्सर से हावड़ा, दानापुर से हावड़ा और पटना से ग्वालियर के बीच सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी, पटना से सिवान के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस, पटना से छपरा के बीच मेमू सवारी गाड़ी चलाने और पटना बक्सर, पटना गया, पटना झाझा, पटना राजगीर, पटना इस्लामपुर, पटना भागलपुर, पटना मुजफ्फरपुर, पटना सिवान और पटना से बरौनी तक 3 जोड़ी मेमू ट्रेन चलाने की मांग की गई है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।